जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिन प्रतिदिन इंसान रईस बनता जाता है। बूढ़े होने पर चांदी बालों में, सोना दांतों में, मोती आंखों में, शुगर खून में और महंगे पत्थर किडनी में पाए जाने लगते हैं। एक देहाती क्रिकेट मैच देखने पहली बार एक स्टेडियम में गया। जब मैच देखकर गांव पहुंचा तो लोगों ने पूछा, क्यों भाई मैच देखा है? कैसा रहा मैच? देहाती, अरे क्या बतावे भैया, वह तो अस्पताल था। पहले पहले डॉक्टर, एम्पायर, उनके पीछे 11 कंपाउंडर, फिर आखिर में हाथ पैर पर प्लास्टर चढ़ाए एक मोटे डंडे का सहारा लेते हुए दो मरीज भी आ गए। मैं तो यह देखते ही भाग गया। दो दोस्त रास्ते में जाते हुए कुछ देखते हैं। पहला, अरे ये क्या है? दूसरा, मुझे लगता है मिट्टी है। पहला, अरे नहीं गोबर है। दूसरा, मैं कह रहा हूँ मिट्टी है, रुक चख कर बताता हूँ। अथु आथु, सही कहा तूने, गोबर ही है। दो समधीर ड्रिंक करने बैठे। लड़के का पिता, कितना पानी डालूं? लड़की का पिता, नो वाटर। लड़के का पिता, क्यों? लड़की का पिता, हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी नहीं पीते। ये होते हैं संस्कार। ज्ञान की बातें। जंगल में चरने गया बैल, दोस्तों के साथ पार्टी में बैठा पुरुष और ब्यूटी पार्लर में गई महिला जल्दी वापस नहीं आते। आजकल माता पिता को बस दो ही चिंताएं हैं, इंटरनेट पर उनका बेटा क्या डाउनलोड कर रहा है और बेटी क्या अपलोड कर रही है। आज सबसे बड़ी कुर्बानी वह होती है जब हम अपना फोन चार्जिंग से निकालकर किसी और का फोन लगा दें। लड़का लड़की को अपनी कार में बिठाकर ले जा रहा था। लड़की, हम कहाँ जा रहे हैं? लड़का, लॉन्ग ड्राइव पे। लड़की, वाह, पहले क्यों नहीं बताया? लड़का, मुझे खुद अभी पता चला। लड़की, कैसे? लड़का, ब्रेक नहीं लग रहे हैं। एक नई ऐप आई है, 1 घंटा मोबाइल नहीं छुओ तो मोबाइल से आवाज आती है, मालिक जिंदा हो या चल बसे। बेटा मुंह फुला के दरवाजे पे बैठा था। बापू, अबे क्या हो गया? बेटा, स्कूल से निकाल दिया मुझे। बापू, क्यों, क्या किया तुमने? बेटा, अरे मास्टर ने पूछा 3 + 5 कितने होते हैं, मैंने बोला 8। फिर मास्टर बोला 5 + 3 कितने होते हैं। बापू, रे ससुरे इसमें फर्क क्या है? बेटा, बापू मैंने भी तो यही बोला था। बापू बेहोश। औरतें इतनी चालाक होती जा रही हैं। कल मैंने अपनी साली से मजाक में कहा, साली तो आधी घर वाली होती है, अब कमबख्त आधी सैलरी मांग रही है। हैराम, कुड़ियों का है जमाना। कुछ बदमाश लड़कों ने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लिख दिया, 50% लड़कियां बेवकूफ होती हैं। लड़कियों ने ये देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा, उन्होंने कॉलेज में हंगामा खड़ा कर दिया। कॉलेज प्रबंधन ने तुरंत उस नोटिस को निकलवाया और उसकी जगह नया नोटिस लगवाया, 50% लड़कियां बेवकूफ नहीं होती हैं। तब जाकर लड़कियों का गुस्सा शांत हुआ। सैंडी को एक पार्टी का इनविटेशन मिला जिसमें लिखा था ओनली पिंक टाई।
सैंडी पार्टी में गया तो उसने देखा कि लोगों ने पैंट शर्ट भी पहनी थी। पठान, वल्लाह तुम्हारा शकल हमारी बीवी से मिलती। एयर होस्टेस, बकवास बंद कर कमीने। पठान, माशाल्लाह जवान भी मिलती है। शराब की वजह से बर्बाद हो चुके शराबी ने कभी न पीने की कसम ली और घर से दारू की खाली बोतलें फेंकने लगा। पहली बोतल फेंक कर बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी फेंक कर बोला, तेरी वजह से मेरा घर बिका। तीसरी बोतल फेंक कर बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़ कर चली गई। चौथी बोतल उठाई तो वह भरी हुई निकली। शराबी, तू साइड में हो जा, तू बेकसूर है। दो दोस्त एक सेमिनार में बैठे थे। पहला दोस्त, यार यह लेक्चर इतना बोरिंग है कि मेरी तशरीफ तक सो गई। दूसरा दोस्त, मुझे पता है, अभी अभी दो बार तुम्हारी तशरीफ के खराटे मैंने भी सुने। वो लड़कियां भी किसी आतंकवादी से कम नहीं होती जो टीचर के क्लास में आते ही याद दिला देती है, सर कल आपने टेस्ट बोला था। दोस्तों, नए नए जोक्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।